वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है आप वो मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, उस वजह से आपकी एप्स अभी तक गेन नहीं कर पा रहे हैं आप। हो सकता है आप बहुत दिनों से ये ट्राई कर रहे हैं वर्कआउट, स्टिल आप जो है ऐप्स अपनी प्रॉपरली ठीक तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है वो, क्या कोई इन वर्कआउट्स के अंदर क्या आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हम चलिए आज उस पर डिस्कस करते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आप बहुत सारी जानकारी को देख सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर एक्सरसाइज करना। हाफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर में कोई भी वर्कआउट क्यों ना हो, आप चाहे शोल्डर का वर्कआउट करें, चेस्ट का वर्कआउट करें, और फिलहाल हम एब्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी वर्कआउट जो आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में, हाफ रेंज ऑफ मोशन मतलब एक वर्कआउट जैसे कि बाइसेप्स कर्ल है, बाइसेप्स कर्ल को मैं अगर इतना ही ले जाके छोड़ दूंगा तो ये मेरी बाइसेप्स का पूरा प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगी। इसको फुल रेंज ऑफ मोशन में हमें वर्कआउट करना चाहिए, ये पूरी तरह से ट्रेन होगी। वैसे ही हमारे एप्स के वर्कआउट में होगा, उस केस में हमें अपने एप्स को ठीक तरह से ट्रेन करने के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम क्रंचेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह से उस फुल रेंज ऑफ मोशन में उस वर्कआउट को कंप्लीट करना है, ना कि हाफ रेंज ऑफ मोशन में बीच में छोड़ना है। आप अगर हाफ रेंज ऑफ मोशन में उस वर्कआउट को छोड़ देंगे, उससे जो आपको गेंस मिलने वाले होंगे, उससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला रहेगा वो नहीं मिल पाएगा आपको। सेकंड नंबर हम बात करते हैं क्वालिटी रेप्स। हमें क्वालिटी रेप्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि क्वांटिटी पे। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम 15 रेप्स लगा रहे हैं या 20 रेप्स लगा रहे हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस रेप्स को। इन केस जैसे कि आप क्रंचेस कर रहे हैं या लेग रेसेस कर रहे हैं, अगर 12 रेप्स का आपका टारगेट है और 12 रेप्स को करने के लिए आपका फॉर्म सही नहीं है, आप गलत फॉर्म के साथ में 12 रेप्स को किसी तरीके से बस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर में आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर क्वालिटी रेप्स आपके 8 से 10 के बीच में ही आते हैं तो उस 8 से 10 रेप्स के पीछे आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि रादर आपको 12 रेप्स और 15 रेप्स और 20 रेप्स के पीछे भागना चाहिए। रेप्स के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी कितनी अच्छे परफॉर्म कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए, तब आपकी एक्सरसाइज पहले से बेटर होने लगी। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों रूल्स जो है अप्लाई होते हैं किसी भी वर्कआउट के लिए, सिर्फ एब्स वर्कआउट के लिए नहीं है। तो तीसरा रूल ये है कि हम प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं करते हैं। अगर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं होगा तो वहाँ पे वो वर्कआउट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सही हो। इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हम कोई भी मसल को अगर जब ट्रेन कर रहे होंगे तो उसे प्रॉपरली उस मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। आप अगर ब्रीद नहीं करोगे, आप अपनी सांसों को रोक के रखोगे और वर्कआउट को करते जाओगे, वहाँ पे आपको उतना कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जाए आपको ये प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ सकती है वर्कआउट के दौरान। आप बहुत ज़्यादा जल्दी फटीक हो जाएंगे, आप फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जो फोर्स जनरेट करनी है वो आप नहीं कर पा रहे हो, मसल को ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, वो ठीक तरह से ट्रेन नहीं होगी। तो आपको प्रॉपरली ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ये 3 थंबनेल रूल्स है, आप इनको हर एक्सरसाइज में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मैं रॉन्ग मूवमेंट्स आपको पहले दिखाऊंगा और उसके बाद सही तरीका करने का बताऊंगा। रॉन्ग मूवमेंट्स इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग अक्सर, बहुत सारे लोग रॉन्ग मूवमेंट्स पहले फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हमारी एप्स ठीक तरह से ट्रेन नहीं हो पाती है। तो ये पहली एक्सरसाइज है लेग रेजेस। लेग रेजेस में मैं आपको गलत मूवमेंट्स पहले करके दिखा रहा हूँ जो कि आपको नहीं करना है। पहला मूवमेंट्स आप देखिए, जब हम लेग रेजेस को परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लोअर बैक में गैप नहीं होना चाहिए। आप लोअर बैक को डाउन कर दें, हाथों को अपने हिप के पास में रखें और इस वक्त आप ब्रीथ आउट करें जब आप लेग को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, और अपने कोर को टाइट रखें और कॉन्ट्रैक्ट करें। यहाँ इस वक्त आप जब लेग को ऊपर ले जा रहे हो तो आपका लेग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, स्लाइटली फोल्ड आप रख सकते हैं जिससे आप एब्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद मिलेगी। अगर पूरा स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको लोअर बैक पे थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। इस तरह से आप लेग रेजेस को ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।
सेकंड मूवमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड मूवमेंट है प्लैंक्स। प्लैंक्स में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि हिप को बहुत ज़्यादा या तो ऊपर ले जाते हैं या हिप को डाउनवर्ड्स की तरफ ले जाते हैं, ग्राउंड की तरफ, जो कि ये मूवमेंट काफ़ी गलत है। इसमें आपका कोर बिल्कुल भी इंगेज नहीं होता है और इसकी वजह से आप ये एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो कोशिश ये करें, न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई है तो उसे कहें कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको दिखाए, जिससे आप अपने मूवमेंट को समझ पाएँ और सही तरह से इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकें। इस तरह से गलती एक्सरसाइज को परफॉर्म ना करें। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको क्रंचेस परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ ये गलत मूवमेंट्स करके दिखा रहा हूँ जो अक्सर हम लोग करते हैं। क्रंचेस की एक्सरसाइज करते समय हम अपने नेक को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम अपने कोर को यूज़ नहीं करते, हम अपने एब्स व एरिया को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नेक में स्ट्रेन होता है। तो ये एक्सरसाइज करते समय अपने कोर को ऊपर ले जाइए, नेक को स्टेबल रखिए, हाथ को पीछे ले सर के पीछे रखें जिससे आपको सपोर्ट मिल सके, और ऊपर आते समय ब्रीद आउट करें और अपने कोर को कॉन्ट्रैक्ट करें ऊपर आते समय। जब आप ऊपर आएंगे तब आपका कोर कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरह से हो पाएगा। इस तरह से अपने एब्स को आप ऊपर ले जाते समय बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करें और अपने हेड को, अगर आपको ठीक तरह से हेड के पास सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हाथों को पीछे ले जाके हेड को सपोर्ट दें। इतने फास्ट मूवमेंट का ट्राई ना करें, इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्लो करें, टेढ़ा मेढ़ा ना घुमाने की कोशिश करें अपने सर को, नहीं तो आपको नेक में स्ट्रेन होगा ही होगा। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं सीटेड वी अप्स और इन एंड आउट। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि हम ठीक तरह से, एक तो सीटिंग पोजीशन नहीं लेते, तो पहले ठीक तरह से सीटिंग पोजीशन लेना ज़रूरी है। स्ट्रेट बैठें, कोर को इंगेज करें, हाथों को अपने थाइस की तरफ बगल में ले जाके पकड़ के रखें ग्रिप को, और बॉडी को पीछे ले जाकर थोड़ा लीन करते हुए फिर इस एक्सरसाइज को कोर को इंगेज करते हुए परफॉर्म करें। कोर को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से फास्ट मूवमेंट ना करें या नेक को डाउन ना करें। इस तरह से अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लोअर बैक पे इंजरी हो सकती है। इसको स्लो मूवमेंट को करें, बहुत ज़्यादा फास्ट करने की ट्राई ना करें। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम बढ़ें, जिसे हम कहते हैं वी अप्स। वी अप्स को करने के वक्त लोग बहुत सारे तरीके से मूवमेंट को इसको अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। कोई इस तरह से करता है, कोई लेग को दोनों तरफ से घुमाता है, कोई बैक को अलग अलग तरीके से घुमाता है। तो सांस लें, ठीक तरह से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें और लोअर बैक को डाउन रखते हुए स्लो मूवमेंट को ये परफॉर्म करें। लेग को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लिमिट पे ऊपर लेके जाएं और अपने बॉडी को, एक कोर को इंगेज करते हुए फिर आप उसको ऊपर लेके आएं। लेग को पूरा ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो तो वैसे भी आप नहीं ले जा पाएंगे, तो इतना ज़्यादा फोर्स ना करें। ऊपर आते वक्त कॉन्ट्रैक्ट करें और ब्रीद आउट करें। सही मूवमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, गलत मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंजरी होगी और कोई भी गेन आपको नहीं मिलेगा। इस मूवमेंट को लगभग सभी ने ट्राई किया होगा और जो लोग बेली फैट या वेट लॉस करना चाहते हैं इस मूवमेंट को तो ज़रूर ट्राई करते हैं। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और इसको समझते नहीं है, ना जाने किस किस तरह से इस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक तरह से समझते कैसे करना है। पहले आप सिंगल साइड को आप परफॉर्म करें, डंबल लेना ज़रूरी नहीं है, आप बॉडी वेट के साथ कर सकें और ये ज़्यादा हैवी वेट की एक्सरसाइज नहीं है, तो इसे बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ परफॉर्म ना करें अगर आप डंबल के साथ कर रहे हैं। जब आप जिस तरफ आप डंबल को लेके जा रहे हैं डाउनवर्ड्स, उस तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी साइड के ओब्लिक्स मसल्स को, यानी आपके एब्स के ठीक साइड वाले मसल्स को, ये उसी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑपोजिट साइड पे आपको स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा बट पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप लेग प्रेस में क्वाड्स को ट्रेन करते हो और हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन होती है, उस तरह से दोनों साइड ऑब्लिक्स के ट्रेन हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑपोजिट साइड पे इसका इफेक्ट समझे कि आप ऑपोजिट साइड में आपको स्ट्रेच हो रहा है तो आपके बेली फैट में कोई इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा कमर को घुमाने की कोशिश ना करें, इसको स्लोली परफॉर्म करें। अपने अपर बॉडी को सिर्फ मूव करें, लोअर बॉडी को कॉन्स्टेंट उसी तरह से रखें।
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे थे। ऐप्स की मिस्टेक्स हो या फिर नॉर्मल आप किसी और वर्कआउट की मिस्टेक्स हो, ये तीन रूल्स जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, ये तीनों रूल्स हर एक्सरसाइज के मिस्टेक्स के अंदर में आपको अप्लाई करना है, वो मिस्टेक्स से आपको बचना है। वो तीनों रूल्स आप जब अप्लाई करेंगे अपने वर्कआउट प्रोग्राम में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।